नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। बिफोर वी बिगिन आई वुड से ग्रेट थिंग हैपेंस टू दोज हु डोंट स्टॉप बिलीविंग, ट्राइंग, लर्निंग एंड बीइंग ग्रेटफुल, राइट। तो चलिए फिर इसी के साथ आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिजिटल बैंकिंग इज फर्दरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक नाउ एट डोर्स ऑफ पुअर पीएम, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 1। और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेडिकेटेड 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, राइट। एंड इसकी फीचर्स देखें तो इट विल प्रोवाइड वैरायटी ऑफ डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज टू पीपल, सच एज ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट्स, बैलेंस चेक, printing passbooks, transfer of funds, investment in fixed deposit, loan applications, etc. Right? Our next important headline is Hampi Khajuraho on list for G20 cultural track. ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और ये रिलेटेड पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू होस्ट 5 की मीटिंग्स फोकसिंग ऑन कल्चर ट्रैक एट खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी एंड आगरा। हाउ डज G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शेप द ग्लोबल एजेंडा on culture across multiple work streams and engagement areas, right? दोस्तों अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो दिस G20 प्रेसिडेंसी प्रोवाइड्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू शेप द ग्लोबल एजेंडा ऑन कल्चर अक्रॉस मल्टीपल वर्क स्ट्रीम्स एंड एंगेजमेंट एरियाज। कौन से? प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, एडवांसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेनेबल लिविंग, एटसेट्रा, राइट। Our next important headline is nationwide drive against child marriage launched. It is available on page number 8 और ये related है paper 1 social issues से। In this article we have to know about child marriage, impact, legislative protection, government's action against child marriage and what more needs to be done in this context. तो दोस्तों child marriage को हमारी वेबसाइट पे कई बार कवर किया जा चुका है। लिंक आपको पता ही कहाँ मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि recently a nationwide campaign against child marriage was launched by Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi, right? Our next important headline is climate of uncertainty. It is available on page number 10 और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know about food inflation, causes, implications, how it raises the challenge for the central bank and way ahead. तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग वेदर पैटर्न्स एंड डायरेक्टली इम्पैक्टिंग 55% ऑफ द कंट्रीज इन्फ्लेशन बास्केट एंड देयर आर इम्प्लीकेशंस फॉर द इनकम एंड ट्विन डेफिसिट्स टू, राइट। Our next important headline is securing India's cyberspace. It is available on page number 10 और ये related है paper 3 internal security से। In this article we have to know how can India proactively deal with cyber risk arising from quantum computing, India's capabilities in developing advanced system, recent developments and what more needs to be done. तो दोस्तों यहाँ पे लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडियन आर्मी इज डेवलपिंग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स टू मेक इट्स नेटवर्क रेजिस्टेंस टू अटैक बाय सिस्टम विद क्वांटम कैपेबिलिटीज, राइट। इट इज आल्सो हाईलाइटेड इन दिस आर्टिकल दैट इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स टू टैकल न्यूएस्ट थ्रेट फ्रॉम क्वांटम टेक्निक्स, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज फीडिंग पीपल सेविंग प्लैनेट। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 11 और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज द विजन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी अक्रॉस द ग्लोब एंड इंडिया, issues, challenges in the present scenario and ways to tackle them. दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी न्यूज में क्यों है ये टॉपिक, तो रिसेंटली वर्ल्ड फूड डे वाज सेलिब्रेटेड। किस दिन? एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 अक्टूबर, which is the foundation day of Food and Agriculture Organization of the United Nations, which was set up in 1945, right? In this article it has been highlighted that challenge of today is to develop technologies that supply the food and nutritional needs of the world while also addressing climate change imperatives, right? Our next important headline is meat and milk from plants. It is available on page number 14 और ये related है paper 3 economy section से। In this article we have to know about plant-based meat. How are these made? How big is the industry? What is the scope in India? तो दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो प्लांट बेस्ड रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स दैट बायोमिक और रेप्लिकेट मीट, सी फूड, एग्स एंड मिल्क ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल्स बाय लुकिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग लाइक देम, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज China's wolf warrior diplomacy. It is available on page number 14 और ये related है paper 2 international relations से। In this article we have to know what does wolf warrior diplomacy mean, what is the need for wolf warrior diplomacy and how does it affect India's interest. तो दोस्तों अगर हम ओवरव्यू देखें तो wolf warrior diplomacy is a tactic for Chinese government to extend its ideology beyond China and counter the West and defend itself, right? Our next and last important headline is 3 OPEC plus member states come together to endorse production cut after US coercion claim, right? It is available on page number 15 और ये paper 2 international grouping से related है और paper 3 economy से भी इसको link किया जा सकता है। In this article we have to know about OPEC plus and we have to know their recent decision and how will the decision affect India. तो दोस्तों recently हमारी वेबसाइट पे इसको कवर किया गया है, लिंक आपको पता ही है कहाँ मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इस आर्टिकल को भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।